अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वे अन्न जिसे वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। पर यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको गंभीर चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे। तुमने उस पुरुष को ये बताकर कि हमारा एक और भाई है क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया है? वो पुरुष हमारे और हमारे कुटुंबियों के बारे में पूछता ही रहा। क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है और क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? और हमने उसके प्रश्नों के अनुसार उसे उत्तर दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ? फिर यहूदा ने अपने पिता इसराइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दें कि हम चले जाएं, जिससे हम मरे नहीं जीवित रहें। मैं उसका जामीन होता हूँ, तू मुझे जिम्मेदार ठहरा सकता है। यदि मैं उसको तेरे पास वापस न ले आऊं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट जाते। यदि ऐसी ही बात है तो इस देश की उत्तम वस्तुओं में से कुछ उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने साथ 2 गुना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों में रख कर फेर दिया गया था उसको भी लौटा दो। संभव है कि ये भूल से हुआ हो। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर से जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। अपने पिता इसराइल की आज्ञा सुनकर तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और 2 रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु को मार कर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डरकर कहने लगे, जो पैसा हमारे बोरों में लौटा दिया गया था ये उसी के कारण है। इस बहाने वो हम पर आक्रमण करेगा, हमें अपने दास बनाएगा और हमारे गधों को भी छीन लेगा। जब वे यूसुफ के घर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने अधिकारी से कहा, हमारे प्रभु, जब हम पहली बार भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए थे तब हमने जब सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो हर एक जन का पूरा पैसा उसके बोरे के मुंह में रखा था। हम उसको अपने साथ ले आए हैं तथा भोजन वस्तु मोल लेने के लिए और पैसा भी लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा पैसा हमारे बोरों में किसने रख दिया था। परंतु अधिकारी ने उत्तर दिया, मत डरो, तुम्हारा पैसा तो मुझको मिल गया था। तुम्हारे परमेश्वर तथा तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। उन्होंने शिमोन को निकाल कर उनके संग कर दिया और उन सभी को यूसुफ के घर में ले आया। तब उसने उन्हें पांव धोने के लिए जल दिया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे भेंट उसको जो उसके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। यूसुफ ने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? तेरा दास हमारा पिता कुशल से है, वो अब तक जीवित है। जब उन्होंने सम्मान में अपने सर झुकाए तो यूसुफ ने आंखें उठाकर अपनी माता के पुत्र और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब यूसुफ तेजी से कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि अपने भाई के लिए उसकी भावना इतनी प्रबल थी कि वह रोना चाहता था। यूसुफ अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा, फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने यूसुफ के लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रत्येक को उनका भाग परोसा गया, परंतु बिन्यामीन का भाग अन्य से 5 गुना बड़ा था और उन्होंने खाया पिया और आनंद बनाया। तब उसने आंखें उठाकर अपनी माता के पुत्र और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा,
क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। उत्पत्ति अध्याय 43 वचन 29 और 30।